काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले एक डिस्क, ये अगर रोटेट कर रहा है तो इसका डिफरेंट पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको वन लिख देते हैं, इसको टू, इसको एकदम सेंटर पे जो है उसको थ्री। तो ये जितने स्पीड से इधर आता है उसको टेंजेंशियल स्पीड बोला जाता है, टेंजेंशियल। फिर इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या कम होगी, इसकी तो एकदम ज़ीरो होगी, यहाँ पे जो है उसका स्पीड एकदम ही ज़ीरो होगा। और टू नंबर का स्पीड वन नंबर से, यहाँ पे ये वन नंबर पार्टिकल है तो टू का स्पीड तो वन से कम ही होगा। सेंटर के जो ज़्यादा क्लोज है उसको छोटे सर्कल में घूमना है, इसलिए स्लो घूमता है, और ये ज़्यादा टेंजेंशियल स्पीड से घूमता है बड़े सर्कल के लिए। फिर ये कितना एंगल मूव किया कितने टाइम में, तो एंगल ट्रेस्ड बाय दिस रेडियस वेक्टर इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी, जो कि सर्कुलर मोशन में भी हम लोग कर चुके हैं। तो क्या क्या सर्कुलर मोशन पहले से किए हुए थे वो सब यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिखा था, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल एंगल कितना बनाया वो, जैसे यहाँ था यहाँ से यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल बनाया, यानी पाई बाई टू। और कितना समय इसने लिया एंगल बनाने में, जैसे यहाँ से आने में 2 सेकेंड लिया तो हम लिखेंगे 90 डिग्री बाई टू, यानी पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू। इससे एवरेज ओमेगा मिलता है। इंस्टेंटेनियस ओमेगा कैसे मिलता है, तो उसके लिए थीटा का इक्वेशन दिया रहेगा कुछ, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिल जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एग्जांपल देखिए लेकर करते हैं। अगर वो बोला कि एक कोई बॉडी मूव कर रहा है ऐसे, और वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल का इक्वेशन दिया है थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब जब समय ज़ीरो है तो एंगल ज़ीरो बनाया है वो, 1 सेकेंड हुआ तो 1 डिग्री एंगल, 2 सेकेंड हुआ तो 4 डिग्री एंगल बना दिया, 3 सेकेंड हुआ तो 9 डिग्री एंगल यहाँ बना दिया, इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो पूछेगा कि इसका इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या है, कितने समय पे इंस्टेंटेनियस, तो वो बोलेगा एक टाइम दिया रहेगा एट 2 सेकेंड। तुम्हें क्या बताया था इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी बाई डी थीटा की डी टी, डी टी समय के साथ, टी स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दिया टी स्क्वायर, डी बाई डी टी थीटा की जगह पर टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करने पे 2t आया, और वो चूंकि 2 सेकेंड पे पूछा था यहाँ 2 रख देने पे आ जाएगा 4, और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकाल सकते हैं। उसके बाद एवरेज, इसी में अगर पूछता कि इसका एवरेज ओमेगा बता कर दिखाइए, तो एवरेज ओमेगा जब भी पूछेगा तो 2 टाइम दिया रहेगा कि कितने समय से कितने समय तक। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम टी बराबर 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के ड्यूरेशन में उसका एवरेज ओमेगा क्या हुआ। तो एवरेज ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एंगल कितना बनाया इस ड्यूरेशन में, 2 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच एंगल कितना बनाया। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि जब थीटा कितना था एट 2 सेकेंड, माइनस थीटा कितना था एट 1 सेकेंड अपॉन कितना समय अंतराल है इंटरवल। तो थीटा का इक्वेशन दिया है, तो जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस थीटा टी स्क्वायर है, तो जब टी मुझे दूसरी बार क्या पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। 2 सेकेंड से 1 सेकेंड तक कितना समय का गैप होता है 1 सेकेंड, तो ये आ गया 4, तो ये इसका भी आंसर हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आएगा, अलग टाइम देंगे तो अलग भी आ सकता है। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, एवरेज निकालने के लिए फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, और डिवाइड करना है समय कि इस एंगल से इस एंगल तक मूव करने में कितना टाइम लगा। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस ओमेगा इस तरह से मिल जाएगा। फिर अगला है, इसमें काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में वही पुराना फॉर्मूला। क्या क्या पुराना फॉर्मूला पहले से हम लोग जानते हैं काइनेमैटिक्स का, वी बराबर यू प्लस ए टी, ऐसा फॉर्मूला पहले सीखे थे। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, रोटेशन में वी के जगह पर ओमेगा हो जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी के जगह पर ओमेगा नॉट प्लस एक्सीलरेशन के जगह पर अल्फा टी। वी
किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी है, ये किसी भी इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये टाइम टाइम। और क्या फॉर्मूला था, v बराबर यू प्लस ए टी के अलावा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो रोटेशन में हम लोग यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा टी, ए के जगह पर अल्फा टी नहीं, टू ए अल्फा थीटा। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कोई अगर रोटेट कर रहा है ये रेडियस वेक्टर, तो पहले यहाँ था और बाद में यहाँ आ गया, तो इस एंगल को ही एंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो एंगल बनता है उसी को फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तीसरा फॉर्मूला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रोटेशन में उसके लिए फॉर्मूला आएगा थीटा बराबर, जहाँ पे s है वहाँ थीटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला इसमें s nth का होता था, s nth अगर याद होगा, तो ये कब यूज करते हैं, स्टार्टिंग से टी समय तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये यूज करते हैं कि लास्ट सेकेंड का सिर्फ, जैसे एस थर्ड का मतलब होगा 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये कब यूज करेंगे जब एस थ्री बोलेगा, मतलब शुरू से 3 सेकेंड में कितना पार्टिकल चला, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर यू प्लस तीन लिखेंगे यहाँ। लेकिन पूछेगा कि थर्ड सेकेंड में कितना चला, तो थर्ड सेकेंड मतलब दूसरे से तीसरे सेकेंड के बीच की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला आता है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, थर्ड अगर बोलेगा तो यहाँ एन के जगह पर 3 पुट कर देंगे, और ए एक्सेलरेशन। तो ये सर्कल या रोटेशन वाले केस में यह आएगा थीटा एन एथ इक्वल टू, जहाँ भी यू है वहाँ ओमेगा लिखना है, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टू एन माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एस एन एथ का। फिर एवरेज, अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है फॉर ए बराबर कॉन्स्टेंट, और इधर फॉर अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा में चेंज डिवाइड बाई कितने में चेंज आया, ये मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा यहाँ क्या होता है, चेंज इन ओमेगा बाई कितने समय में ओमेगा चेंज हुआ, वैसे ही यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी भाई कितने समय में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, उसी को तो ए बोलते थे, तो यहाँ ओमेगा में चेंज होगा, और ओब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा तभी तो ओमेगा चेंज हो रहा है। तो इसमें एवरेज का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे वी एवरेज इक्वल टू, याद होगा, यू प्लस वी बाई टू, जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है। तो इसमें भी ओमेगा एवरेज आप लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस, मतलब इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा बाई टू, तो एवरेज ओमेगा इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेरिएबल। ये क्या होता है रिलेशन टेंजेंशियल एंगुलर में, ये एक पुल्ली है जो ऐसे रोटेट करेगा, और इससे अटैच्ड एक रोप है जिससे बकेट एक यहाँ पे अटैच किया हुआ है, बकेट ऐसे अटैच्ड, और इसको कोई पकड़ कर इधर से रस्सी ऐसे बहुत सारा है, तो पकड़ कर खड़ा है ये रस्सी, इसको मैंने छोड़ रहा है इस रस्सी को, ये नीचे गिर रहा है, और साथ ही साथ ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो ये जितने वेलोसिटी से नीचे आता है ना वो इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। ये रस्सी कितने वेलोसिटी से छोड़ रहा है ये, इस वेलोसिटी को बोलते हैं वी टी, तो ये भी नीचे वही वी टी वेलोसिटी से रस्सी नीचे आता है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी वी टी है, इसके इस पर किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसका वी टी है, तो यहाँ का भी डिस्क का ये पॉइंट का भी वेलोसिटी टेंजेंशियल वही वी टी है, जिससे ये रस्सी नीचे आएगा, और ये जो रोटेट करता है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं हम लोग। तो सर्कल में ऐसे आप पहले से पढ़े होंगे कि थीटा में, और इसको आर्क बोलते हैं, ये सर्कमफेरेंस वाला जो डिस्टेंस होता है ना उसको क्या बोलते हैं आर्क, और ये रेडियस ये थीटा, तो इन दोनों तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, ऐसे लोअर क्लासेज में हम लोग पढ़ते हैं ये सब। तो ये आर्क जो लेंथ है ना उसको मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, तो थीटा बराबर क्या हो गया एक्स बाई आर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आर थीटा,
तो आर्क, रेडियस और एंगल में ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये पहले यहाँ पे रेस्ट पे था ऐसे, और इस पर एक पॉइंट मैं वन मान लेता हूँ, तो 1.90 डिग्री घूम गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसने कुछ क्या बनाया, थीटा बनाया। तो ये जो पॉइंट यहाँ आएगा, तो यहाँ से कितना रस्सी छोड़ेगा, ये सरकमफेरेंस के बराबर रस्सी को छोड़ देगा। ये जब थीटा एंगल घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा, तो इतना रस्सी लूज हो जाएगा इधर से, तो ये उतना मूव करेगा। तो ये आर्क, रेडियस और थीटा में अभी रिलेशन क्या पढ़े थे कि आर्क मतलब सर आप एक्स ले लीजिए, मतलब ये रस्सी एक्स नीचे जाएगा, और आर रेडियस है, और ये थीटा एंगल घूमेगा। तो ये जो फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू आर थीटा, इसमें दोनों साइड टाइम से अगर जब डिवाइड करेंगे तो एक्स बाई टी क्या मिलेगा, एक्स मतलब ये बकेट कितना नीचे आया और टी कितने समय में आया, तो वो इसकी वेलोसिटी नहीं हो गई, डिस्टेंस बाई टाइम, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो इसके नीचे आने की स्पीड हो गई, जिसको टेंजेंशियल स्पीड बोलते हैं। तो इसको मैं वी टी लिख सकता हूँ, वी टी। और आर तो कांस्टेंट है, इसका रेडियस थोड़े चेंज होगा ये रोटेट करने से, तो आर कांस्टेंट है। और थीटा बाई टाइम, कितना एंगल बनाया और कितने समय में बनाया, वो एंगल बाई टाइम को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा। तो ये रिलेशन हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इसी का वेक्टर फॉर्म होता है वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। यानी इसके नीचे आने का वेलोसिटी अगर वेक्टर के साथ देखें, तो ये वेक्टर यानी ये वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिलेगा, तो ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से। आर क्रॉस ओमेगा अलग रिजल्ट दे देता है, और ओमेगा क्रॉस आर अलग रिजल्ट देगा। तो आपको क्या करना है, वी निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म मतलब इसका डायरेक्शन इधर आना चाहिए, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन होता है राइट हैंड थंब रूल से, जैसे रोटेट करेगा वैसे आपके दाहिने हाथ को घुमाना है। जैसे ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, अगर मतलब ये बाल्टी ऊपर आता तो इसको ऐसे घूमना पड़ता, तो हम हैंड को भी ऐसे घुमाते राइट हैंड को, तो थंब किधर जाता, अंदर, तो ओमेगा इनवर्ट बोल देते। इसका ओमेगा क्या है, ये इस सेंस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो अपने राइट हैंड को भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाइए ऐसे, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो ओमेगा का डायरेक्शन इसका किधर है, आउटवर्ड। तो इसको लिख देंगे आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर निकलता हुआ, और वी का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, इधर की तरफ दिख ही रहा है। और आर वेक्टर कहाँ से कहाँ लेते हैं, तो सर्कमफेरेंस टू सेंटर नहीं, सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ लेते हैं, ऐसे एरो देना है। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। वी वेलोसिटी किधर होगा, तो जिधर टेंजेंट उसका आएगा, टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट। तो इस तरह से आप अगर ये एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, तो आपको ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा ये दोनों, और पूछेगा वी निकालिए, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और वेक्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखे ही हैं कैसे करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी एक न्यूमेरिकल है, आर ओमेगा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वी बता दीजिए कितना है। ये क्या रिलेशन है, वही सर्कल वाले का है, कि अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये गिवन है इनका, तो आपको बताना है कि इधर से जो रस्सी होगा एक, जिससे कुछ अटैच्ड मास होगा, कितने वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। अगर इसका रेडियस वेक्टर भी गिवन है, रेडियस मतलब इधर की तरफ, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड और आउटसाइड द बोर्ड, तो ओमेगा ऐसे है आउटसाइड द बोर्ड। इसका दूसरा सिचुएशन देखिए, अगर ये ऐसा होता, इधर रस्सी लगा होता और ये ब्लॉक नीचे गिरता, ऐसे ये रोटेट करता, तो इसमें ओमेगा का डायरेक्शन होता इनवर्ड, और भी तो जिधर आ रहा है उधर भी है, और इसका रेडियस वेक्टर ये होता सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ। तो इन्होंने आर और ओमेगा दिया है और पूछ रहा है कि वी क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो मुझे करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड होता है, जो वेक्टर में भी पढ़े थे हम लोग, वर्क एनर्जी में नहीं, वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे और सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। फॉर्मूला था वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर।
ओमेगा का वैल्यू कोएफिशिएंट लिखना होता है, पहले लिखना होता है आई जे के और बाद में इनका कोएफिशिएंट वन, आई का कोएफिशिएंट वन, जे का कोएफिशिएंट माइनस वन, के का कोएफिशिएंट प्लस वन। दूसरा ओमेगा का बात हो गया, पहले ओमेगा का कोएफिशिएंट लिखना है तब आर का, आर में आई का कोएफिशिएंट वन, जे का कोएफिशिएंट टू और के का थ्री, प्लस माइनस के साथ लिखना है। देखिए जे का माइनस वन था तो मैं माइनस लिखा हूँ। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले इसको प्लस लिखते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस, ऑर्डर में ऐसे लिख देते हैं। इसका रिजल्ट एक वेक्टर आने वाला है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है यानी वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आई कैप पहले लिख देते हैं आई कैप, और आपको याद होगा कि इसको आई कैप लिखे तो जैसे चेस खेलते समय हाथी कैसे चलता है, सीधा चलता है ऐसे और ऐसे, टेढ़ा तो नहीं चलता है। तो हाथी जैसे चलता है वैसे ये आई हाथी अगर है तो इधर चलेगा, नहीं तो नीचे चलेगा। तो इन दोनों को हाइड कर लेना है, इन दोनों को ऐसे हाइड कर लेना है। तो बच गए ये चार, उसमें पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, वो बार बार भूल जाते हैं कि पहले सर इसको इससे करें इसको इससे करें। तो हमेशा राइट साइड और लोअर मोस्ट से करना है स्टार्ट। स्टार्ट किससे करेंगे, दाहिने साइड में और नीचे सबसे जो रहेगा। तो इन चारों डिजिट में राइट साइड की बात करें तो वन और थ्री है, और लोअर मोस्ट की बात करें तो थ्री आ गया। तो पहले थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री। एक और बार कर ले लेते हैं, ये दोनों हाइड किए थे, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, और बीच में माइनस देना है ऐसे। देखिए थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, और बीच में कंपलसरी है ये हमेशा माइनस लिखना है, जो बच गया उसका मल्टीप्लीकेशन टू इंटू वन टू, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी बार जब जे कैप लिखा जाएगा तो पहली बार आई प्लस करके लिखे थे तो इसको माइनस करके लिखना है, माइनस जे कैप, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। इस बार किसको हाइड करना है, तो जे कैप हाथी है तो वो कैसे चल सकता है, हाथी इधर इधर किधर भी चलता है और वर्टिकल भी चल सकता है, ये टेढ़ा नहीं चल सकता है। तो जे कैप को हाइड करना है तो इसे और इसे हाइड करना है मुझे ऐसे, ये पूरा हॉरिजॉन्टल, ये रो और ये कॉलम। कौन कौन सा चार डिजिट बच गया, वन 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 थ्री, किसका मल्टीप्लाई पहले करें, किसका मल्टीप्लीकेशन पहले करें बताइए। तो मैं बोला था कि दाहिने साइड में और नीचे का पहले करेंगे, तो राइट मोस्ट इन चारों में राइट मोस्ट वन और थ्री है, और लोअर मोस्ट कौन सा है, थ्री है, तो थ्री से चालू करेंगे। तो थ्री इंटू वन थ्री, और बीच में क्या लिखना है मुझे, माइनस वन इंटू वन वन, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। के कैप को प्लस के साथ लिखना है तो प्लस के कैप, ब्रैकेट स्टार्ट। के कैप पर अगर हाथी होता तो कैसे चलता, या तो इधर चलता या इधर चलता। तो के कैप के नीचे वाले को पूरा और इसको हाइड कर दीजिए ऐसे, ये दोनों को हाइड कर दिया हम ऐसे। तो ये चार डिजिट बचे मेरे पास, वन माइनस वन वन टू। इन चारों में किससे स्टार्ट करें, तो राइट मोस्ट लोअर मोस्ट। तो राइट साइड में इन चारों में ये दोनों राइट साइड में और लोअर मोस्ट में ये टू है, तो टू का पहले काम होगा, टू इंटू वन टू, बीच में माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। ये साइन भी माइनस प्लस ध्यान देना है, ये माइनस तो लिखना ही है सब में, ये खुद वन इंटू माइनस वन होके माइनस वन आया है। अब आंसर आ जाएगा हम लोग का, माइनस तीन और माइनस दो माइनस पाँच, तो आई कैप यहाँ था तो माइनस फाइव आई कैप। तीन में से एक गया दो, दो इंटू माइनस जे माइनस टू जे, टू माइनस माइनस प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, और ये प्लस है तो प्लस थ्री के कैप। ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ये आंसर आएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको पूछे आर और ओमेगा दे और वी पूछे, तो वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आर क्रॉस ओमेगा, नहीं ओमेगा पहले लिखेंगे और तब आर लिखेंगे यहाँ, और करेंगे ओमेगा क्रॉस आर, और रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है।